एसडीएम ज्योति मौर्या की खबर सुन पति ने छुड़वा दी पत्नी की पढ़ाई। थाना पहुंचे पति ने दी आर्थिक तंगी की सफाई। ज्योति मौर्या और उसके पति आलोक मौर्या की खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, 135 पत्नी की पढ़ाई छुड़वा देने की खबर वायरल हो गई। तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ? क्या लोगों को सताने लगी है पत्नी की पढ़ाई? क्या सच में छाया है पति में खौफ? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं अब क्या होगा एसडीएम ज्योति मौर्या और उसके तथा कथित प्रेमी मनीष दुबे का। क्या उनकी नौकरी पर मंडरा रहा खतरा? मुख्यमंत्री योगी ने दिया जांच के निर्देश। क्या सच में पत्नी की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं कुछ लोग? एक कैसा मामला आया है बिहार के बक्सर से। जब से सोशल मीडिया पर यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्या की खबर वायरल हुई है, उसके बाद कई जगहों से एक खबर वायरल होने लगी कि पति पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। हालांकि कुछ खबरें गलत भी निकली। बिहार के बक्सर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पत्नी को पढ़ा रहे पति में डर बैठ गया कि वो भी एसडीएम बन धोखा दे देगी। इसके बाद पति ने पत्नी की पढ़ाई ही छुड़वा दी। लेकिन पत्नी भी कहां कम थी, वो सीधे थाने पहुंच गई और कानून से गुहार लगा दी। महिला का कहना है कि उसका पति उसे 10 सालों से पढ़ा रहा था। यूपी की ज्योति मौर्या की खबर सुनने के बाद अचानक उसने पढ़ाई रुकवा दी। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, इसमें पुलिस उसकी मदद करे। महिला बीपीएससी की तैयारी कर रही है। पति पत्नी की इस नोकझोंक को देखकर थाने में तैनात अधिकारी से लेकर सिपाही तक दंग रह गए। पुलिस ने भी महिला के पति को थाने में बुलाकर समझाया और कहा कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पुलिस ने उसे पत्नी को आगे पढ़ाने का सुझाव दिया ताकि वह पढ़ लिख कर योग्य बन सके। हालांकि महिला के पति पिंटू सिंह ने कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए वह अपनी पत्नी को बीपीएससी की तैयारी कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह भी अपनी पत्नी की पढ़ाई को बंद करा रहा है। इसको लेकर थाने में काफी देर तक गर्मा गर्मी का माहौल रहा। बाद में थाने में तैनात थानेदार और पुलिस कर्मियों ने पति पत्नी को समझा बुझाकर थाने से विदा किया। इस बीच 135 पत्नियों की पढ़ाई छुड़वाने वाली खबर फर्जी निकली। पढ़ाई कर रही शादीशुदा महिलाओं ने कहा कि यह विश्वास की बात है, हर कोई धोखेबाज नहीं होता। एसडीएम ज्योति मौर्या और उसके पति आलोक की खबर सुर्खियों में है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योति ने कहा, शादी के समय इसने अपने को शिक्षक बताया लेकिन था वह सफाईकर्मी। इसके साथ उसने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। दोनों की शादी 2010 में हुई, वह एसडीएम 2015 में बनी। दो बच्चे भी हुए। अब ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच दरार हो गए? पति का कहना है कि उसने उसे पढ़ाया लिखाया और एसडीएम के लिए काबिल बनाया, लेकिन इसके बदले उसे धोखा मिली। उसने आरोप लगाया है कि पत्नी का अवैध संबंध मनीष दुबे के साथ है। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उच्च अधिकारी किस मोड़ पर आते हैं।